जिला परिषद हिसार के वार्ड नंबर एक में होने वाले उपचुनाव के लिए विकास सेलवाल के कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर आज काफी गहमा गहमी रही। इस अवसर पर महिलाओं ने संगीत और नृत्य के साथ विकास सेलवाल के हौसलों को बुलंद किया। वार्ड के सभी गांव से पहुंची महिलाओं ने नाच गाने के साथ कार्यालय के उद्घाटन कार्य में चार चांद लगा दिए और विकास सेलवाल को चुनाव में जीत का आशीर्वाद दिया। वार्ड नंबर एक में 9 जुलाई 2023 को उपचुनाव होना है और लगातार चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है। चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों ने जहां वार्ड के सभी 11 गांवों में जाकर अपना जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है, वहीं कई प्रत्याशियों ने अपना चुनावी कार्यालय भी खोल दिया है। इसी क्रम में आज वार्ड नंबर एक से पार्षद रहे स्वर्गीय होशियार सिंह सेलवाल के सुपुत्र विकास सेलवाल ने भी अपना चुनावी कार्यालय उकलाना में सिरसा चंडीगढ़ रोड पर खोल दिया। अब आगे की चुनावी रणनीति और विकास सेलवाल के चुनावी अभियान का संचालन उनके कार्यालय से होगा। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन समारोह में पहुंची भीड़ की उपस्थिति ने चुनावी माहौल को और भी गर्मा दिया है। कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर स्वर्गीय होशियार सिंह सेलवाल के परिवार ने जिला परिषद हिसार के वार्ड नंबर एक के सभी 11 गाँव के सर्व समाज व सभी वर्गों के गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया और वार्ड नंबर एक के सभी 11 गाँव के गणमान्य लोगों ने भी कार्यालय उद्घाटन समारोह में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। चुनाव कार्यालय उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत में विकास सेलवाल ने कहा कि मेरे स्वर्गीय पिता होशियार सिंह सेलवाल ने जो अपने अक्षेत्र के विकास के लिए सपने देखे थे, मैं उन सभी मानवता भलाई और विकास कार्यों को पूरा करने की भरपूर कोशिश करूंगा। विकास ने कहा कि आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए इतने लोग पहुंचे हैं जिनको देखकर मैं फूले नहीं समा रहा। माता बहनों के लाड प्यार, बुजुर्गों के आशीर्वाद और युवा साथियों के सहयोग के साथ हम इस चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करेंगे।